दोस्तों आज है फ्रेंडशिप डे और इस खास मौके पर दुनिया भर के लोग अपने जिगरी यार को बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं। कोई किसी के हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांध रहा है तो कोई कार्ड देकर ये बताना चाहता है कि उसकी जगह जिंदगी में कितनी खास है। वैसे तो दोस्ती का हर दिन ही खास होता है, लेकिन बात अगर आज की जाए तो फ्रेंडशिप डे के मौके पर दिल में जो जगह बनी होती है दोस्त के लिए, उसको जाहिर करने का सबसे खास मौका होता है। भाई आज अगर हम फ्रेंडशिप डे के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में टीवी के तमाम ऐसे सेलेब्स हैं जो कि अपने को स्टार्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता शेयर करते हैं और ये लोग काम करते करते एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि ये रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अक्सर लोगों के बीच सेलेब्स के बीच खटपट की खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन इन सबके बीच दोस्ती के कम चर्चे नहीं हैं। टीवी की चमचमाती दुनिया में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ सेलेब्स की दोस्ती इतनी पक्की है जो आज तक कायम है। दोनों एक दूसरे के साथ फोटो शेयर करते हैं, एक दूसरे को लेकर दोस्ती के लिए बनी दिल में जगह का इजहार करना नहीं भूलते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर टीवी के उन तमाम सेलेब्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। भाई आज की अपनी खास रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी के बारे में, जो कि को स्टार्स रह चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोनों का बेहद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। रियल लाइफ में दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आते हैं। वहीं बात करें आमना शरीफ और पार्थ समथान के बारे में तो आपको बता दें कसौटी जिंदगी की रिबूट में दोनों को एक्टर थे और असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। दोस्ती का जिक्र हो और ऐसे में अली गौनी की बात ना आए। जी हाँ, अली गौनी यारों के यार हैं, ये सब जानते हैं। ये है मोहब्बतें में करण पटेल के साथ काम कर चुके अली गौनी उनके साथ बेहद खास दोस्ती शेयर करते हैं और उनका ये रिश्ता सीरियल खत्म होने के बाद भी आज तक कायम है। भाई अगर हमने अली गौनी को यारों का यार कहा है तो भला उनकी दोस्ती किसी एक से कहाँ होगी। बिग बॉस 14 के दौरान राहुल वैद्य और अली गौनी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी जो कि आज तक कायम है। दोनों ने अपनी दोस्ती को आगे तक बढ़ाया और आज भी जब दोनों को मौका मिलता है तो दोनों काफ़ी चिल करते नजर आते हैं साथ में। भाई बात अगर करें दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में तो ये है मोहब्बत से उनके जो को स्टार है करण पटेल, उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी जो कि आज तक कायम है। दिव्यांका त्रिपाठी करण पटेल कई मौक़ों पर कई इवेंट्स में एक साथ नजर आते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं। फेमस एक्ट्रेस हिना खान इस टाइम पर जिंदगी के काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उन्होंने शेयर किया था कि हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसे में आज जो वो हिम्मत दिखा रही हैं, जो उनका हौसला उनके चेहरे पर नजर आया है, इसका क्रेडिट उनके दोस्तों को भी जाता है। हिना खान रियल लाइफ में प्रियंक शर्मा के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं जो कि उनके हर कदम पर साथ नजर आते हैं। हिना खान और प्रियंक शर्मा की दोस्ती के चर्चे बहुत लंबे टाइम से गलियारों में गूंजते रहते हैं। वही नकुल मेहता और दृष्टि धामी की दोस्ती के चर्चे कोई कम नहीं। दृष्टि धामी और नकुल मेहता आपस में इतनी मस्ती करते हैं कि दोनों के कई सारे वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। नकुल मेहता और दृष्टि धामी को एक्टर्स थे, लेकिन रियल लाइफ में दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया जो आज तक कायम है। दोनों ने इश्कबाज में एक साथ काम किया और दोनों की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा गहरी होती गई। भाई टीवी सेलेब्स की दोस्ती की बात हो और ऐसे में सुरभि ज्योति और अनीता का नाम सामने ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। रियल लाइफ में सुरभि ज्योति और अनीता काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। भाई बात करें शिवांगी जोशी के बारे में तो सब जानते हैं कि शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर बहुत अच्छी दोस्त हैं और कई मौक़ों पर साथ में दोनों काफ़ी मस्ती करती नजर आई हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।